दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में नवाब कारपेंटर। हम आज आपको बताएंगे किचन बनाते वक्त आप किस तरीके से आप किचन को बना सकते हो। ये हमारे किचन के बक्से हैं ऊपर के, जो ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, जिन्हों की हाइट आप 2.5 फीट रख सकते हो। और अगर आप किचन की हाइट ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर डबल बक्से बना सकते हो, जिस तरीके से इस वीडियो में आपको दिखाई गई है। और इन बक्सों के पल्लों पे जो हैंडल लगाए जाते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ लगाए जाते हैं, ताकि इन्हें खोलने में कोई परेशानी ना हो। और ये लंबी हाइट का पल्ला जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके पीछे पेंट्री लगी हुई है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये हमारे नीचे इनोटेक की चैनल है, और ये एल्बोनो की फॉल लगी हुई है हैंडल के लिए। और ये हमारे हैंडल लगे हुए हैं, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो होती है वो 10 फीट की होती है, और जितनी आपकी दराज की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई के हिसाब से इसकी कटिंग होकर इस पर लग जाती है। और ये हमारी इनोटेक की चैनल है, जिसकी हाइट हमेशा 4 इंच की आती है, और लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो, और चौड़ाई जो होती है वो आपके एडजस्टेबल होती है। जितनी आपकी दराज की चौड़ाइयाँ होती है उसी हिसाब से आप इसकी चौड़ाई कर सकते हो। और ये हमारा बोतलों का स्टैंड लगा हुआ है, इसमें अब बोतलें वगैरह रखी जा रही हैं, जो अक्सर किचन में इस तरीके की चैनल लगाई जाती है। और ये हमारा सेल्फ के ऊपर वाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है, जिसकी हाइट हमेशा 2.5 फीट की रखी जाती है। और ये नीचे की तरफ हमारा 18 mm का जो बोर्ड लगा हुआ है, और ये दोनों तरफ सनमाइका लगी हुई है। और बैक साइड में ये हमारी 4 इंची की प्लाई लगी हुई है, जो 18 mm की है, और दोनों तरफ सनमाइका लगी हुई है उसके। इनकी चौड़ाई हमेशा एडजस्टेबल होती है, जितनी आपकी पत्थर लगे हुए होते हैं किचन के, उसी हिसाब के से उसकी चौड़ाई भी उसी तरीके से आ जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। और ये हमारा पेंट्री का पल्ला है, और ये हमारी पेंट्री लगी हुई है, और इसकी जो रेंज है हमारी 12,000 रुपये की है। और ये मार्केट में अगर आप शीशे की लेने के लिए जाते हो तो वो आपको 25,000 तक में मिल जाएगी आसानी से। और इस तरीके से आप लेना चाहो तो ये आपको 12,000 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। और इन पल्लों में जो कब्जे लगे हुए हैं वो हमेशा हाइड्रोलिक के लगाए जाते हैं, कंपनी के कब्जे लगाए जाते हैं। और इसमें कब्जे जो लगाए जाते हैं ऊपर की तरफ, अगर आप 2 कब्जे लगा दें और नीचे की साइड फिर अपना कब्जे लगा देते हैं जितने आपका साइज होता है। और ये हमारी फ्रीज की जगह है, साइड में दे रखी है, ये हमेशा जब किचन बनाते हैं उस टाइम ध्यान में रखी जाती है। और ये फ्रेम के पल्ले हैं, ये हमारा पल्लों पर डिज़ाइन दे रखा है, जो कंट्रास्ट सनमाइका लगा रखी है। और ये हमारा डिज़ाइनर ग्लास लगा हुआ है फ्रेम के पल्लों पे, अगर जो ऊपर लाइटें लगी हुई है, अगर दो तरह की आप सनमाइका लगा रहे हैं तो उसमें आप वाइट ग्लोसी सनमाइका ज़रूर लगा, और दूसरा आप कोई भी चॉइस करके लगा सकते हैं लाइट का। ये हमेशा पल्लों के नीचे की तरफ ही हैंडल लगाए जाते हैं, ताकि कोई खोलने में कोई परेशानी ना हो। और तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।